अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसी हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगी अच्छा शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ और ये शॉपिंग हॉल इसमें एक ड्रेस मेरा है एक मेरी मदर का एक सिस्टर का और एक मेरी क्लाइंट का है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा एंड तक लाजमी देखिएगा कि एसट्रिया की फ्लैट थर्टी फाइव एंड फोटी परसेंट ऑफ पे समर प्लस विंटर कलेक्शन के ये सारे के सारे ड्रेसेस हैं सबसे पहले जो है वो ड्रेस मैं अपना शेयर करती हूँ ये वाला ड्रेस जो है मैंने थर्टी फाइव परसेंट पे ऑफ पे लिया है वॉल्यूम वन का ये ड्रेस और काफी हिट आर्टिकल था इसमें सेकंड कलर है ग्रीन और ये वाला मेरा ड्रेस है सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता दू ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए जी प्राइस इसकी फिफ्टी थी थर्टी में ये मतलब पूरा तीन का ये मुझे मिला है लॉन्द बटटट्टे में है बहुत ही प्यारा सा इसके अंदर जो है मेर वर्क किया गया है कलर जो है वो जिंक और मेरूनिश रेड पिंकिश रेड कम्बिनेशन है साथ ऑरेंज का टच है नेक लाइन है मिरर के साथ और इसमें थ्रेड वर्क भी किया गया है इस ड्रेस की सबसे खूबसूरत बात अ, मतलब ये एक तो सिंधी स्टाइल में है और टाइन आई में है ठीक है ये देखिए इसका फ्रंट ये सारा टाइन आई में किया गया है और इसके अंदर जो छोटा छोटा ये जो बूटी बनी हुई है बहुत प्यारी लग रही है ठीक है अजरक स्टाइल में अच्छा इसमें जो सेकेंड कलर है ना वो है बॉटल ग्रीन कलर आ, ये वाला ड्रेस जो है वो इसकी अवेलेबिलिटी मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट ड्रेस ही था और ये सदर ब्रांच से मैंने बाय किया है ये कल तक था और कल जब मैंने विज़िट किया तब था तो बस कुछ वजूहत की वजह से मैं इसको बाय नहीं कर सकी तो फिर मैंने आज इस विज़िट किया तो ये मैंने आज जो है वो इसको बाई कर लिया तो ये काफ़ी ख़ूबसूरत ड्रेस था और इसमें ग्रीन कलर अवेलेबल है वो मैं आपके साथ जो है वो मे भी वीडियो में शेयर कर दूँ ठीक है अच्छा जी इस पर थर्टी फाइव परसेंट सारा बता दिया ये इसका आ, स्लीव सॉरी स्लीव्स हैं ठीक है फ्रंट पे इस तरह से आया आया है नेकलाइन पे जस्ट इसके एम्बेलिशमेंट है बाकी ये नहीं है दो आप देख लें बहुत ख़ूबसूरत दुबटा है ठीक है अच्छा इसमें जो टाइन डाइट टच आ रहा है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें सिंधी ए, स्टाइलिंग भी है इनका फैब्रिक क्वालिटी की बात की जाए जो लोग केसरी यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकी फैब्रिक क्वालिटी है प्लेन इसके साथ जिंक का ट्राउज़र है और कलर बहुत खूबसूरत है वैसे मैंने सेम कलर का एक ड्रेस जो है निषाद से लिया था लास्ट टाइम ठीक है Uh, बहुत ही वो जबरदस्त अच्छा ये आई थिंक वो बैक साइड थी मैं उसको दुपट्टा समझ रही हूँ ये दुपट्टा है ठीक है ये दुपट्टा है इसका बहुत ही खूबसूरत आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएगा और भी शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी जी मारिया बी से भी कुछ शॉपिंग की गई है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इन तो वीडियो जो है वो देखने के लिए या इस शॉपिंग हॉल देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेलाइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ मैं शेयर कर कर सकूं। जितनी मेरी सिस्टर्स देख रही हैं आइडिया हो जाता है कि जी आ, किस तरह की शॉपिंग की गई है या कौन से ड्रेसेस जो हैं अवेलेबल हैं अच्छा जी नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये मेरी मदर का है और इसके अलावा मैंने आपको लास्ट टाइम अपनी मदर इन लॉ का भी एक ड्रेस उसमें वो जो मैंने अपनी मदर इन लॉ का लिए है ना उसमें सेकंड कलर जो है वो मेरी कस्टमर ने लिया है वो है ब्राउन कलर लेकिन मैंने ब्लू कलर में लिया था ठीक है ये मेरी मदर का है और ये बहुत ही ज़्यादा ये भी काफ़ी अच्छा हिट आर्टिकल है आ, और ये भी मुझे लग रहा है काफ़ी जगह सोल्ड आउट हो जाएगा हो गया है बट आप लोग अपनी नियरेस्ट आउटलेट पर भी चेक कर सकते अच्छा जी स्लब लॉन में है ये आ, बहुत ही प्यारा फ्लोरल प्रिंट है कलर इसका ओरिजिनल टी पिंक है ठीक है नॉट पीच पिंक ओरिजिनल टी पिंक जो टी पिंक जो आप लोग गुलाबी चाय जिसको बोलते हैं ना गुलाबी चाय पिए जो उसका कलर होता है सेम कलर है इसमें और जो इसके अंदर जी ये जो फ्लावर्स आ रहे हैं ना ये भी बहुत प्यारा है इसका कलर देखिएगा बड़ा खूबसूरत प्लेन कैमरिक का इसके साथ ट्राउज़र है ठीक है बाकी आप लोगों को मैं बता दूँ अच्छा जी ये भी थर्टी फाइव परसेंट ऑफ मिला आई थिंक फाइव थाउजेंड तक का है ये वाला ड्रेस भी ना और ये इसका जो है वो आ, दो है जो कि बहुत ही प्यारा शिफली वर्क कट वर्क स्टाइल में है ठीक है और ये लॉन फैब्रिक में है ठीक है और इसके ऊपर ये आप एम्ब्रॉयडरी चेक कर लें ये फ्लावर्स बाद बीच में ना ये सारा चिकनकारी स्टाइल में सारी बीच में लाइनिंग स्ट्रिप्स लाइंस आ रही हैं सारी की सारी खूबसूरत कलर के साथ एंड कंबिनेशन के साथ ठीक है ओवरऑल इस ड्रेस को भी मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस किस्म के आर्टिकल जो हैं वो केस पे काफ़ी लोग कहते हैं एक्सपेंसिव हैं बट आई थिंक सो थर्टी फाइव एंड फोर्टी परसेंट पर अच्छा ऑफ होगा अभी ये थर्टी फाइव वाला जो ऑफ है ना ये आपको फोर्टी पे भी चला जाएगा बहुत ही जल्दी जी ये जो है अभी आपके साथ नेक्स्ट आर्टिकल जो शेयर करी हूँ ये मैंने अपनी मदर इन लॉ का जिंक कलर में लिया है ठीक है ब्लू डार्क ब्लू नहीं है जिंक कलर है ये वाला ब्राउन टच है और ये कॉफ़ी ब्राउन कलर है ठीक है बेज कलर नहीं है कॉफ़ी ब्राउन कलर है बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है ये भी और ए, ए, कलर कंट्रास्ट के अलावा इसकी मुझे जो है वो डिज़ाइनिंग भी काफ़ी खूबसूरत लगी है अच्छा जी ये आई थिंक जो है इसके स्लीव्स आ रहे हैं पहले मैंने आपको स्लीव लहदा से इसकी कटिंग है ठीक है स्लीव्स की कटिंग ये इसी तरह का है आ, मैंने लास्ट वीडियो में आपने मेरी केसटिया वाली वीडियो देखी होगी ना जिसमें विंटर कलेक्शन किए थे कुछ मेरे कस्टमर के ड्रेसेस थे और कुछ जो हैं मोस्टली उसमें कस्टमर के थे एक मैंने मेरून शायद शेयर किया था वो जो कि मेरा था ठीक है उसमें सेकेंड जो कलर मैंने बाई किया ना वो भी ब्राउन अच्छा ये अभी फ़ोटी परसेंट पर मिल रहा है बहुत अच्छे इस पर सेल है ये तकरीबन पच्चीस सौ की प्राइस रेंज अब इसकी बन गई है अच्छा काफ़ी अच्छा ऑफ हो गया और फैब्रिक क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी फैब्रिक क्वालिटी है बारीक कपड़ा है सबसे बड़ी बात है और उतना ही ज़्यादा वॉम है सबसे इनकी बहुत अच्छी चीज़ है आपको स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं होगी इनके इतने अच्छे जो हैं वो इनकी आ, कहते हैं वार्मनेस बहुत अच्छी है प्लेन इसके साथ खदर का लाइट वेट खदर है ठीक है ये सबसे अच्छी खदर यूज़ की गई है ये जो इनका फैब्रिक है और बट तो अभी देख लें सेल में आई थिंक सो अच्छा प्रेफरेबल है और अफोर्डेबल है नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये मेरी सिस्टर का है और मैंने पहले भी आपको इसमें मैंने आई थिंक टू थ्री मेरे ख्याल में थ्री ये टू फोर ड्रेसेस बाई किए हैं कुछ कस्टमर के तो ये वाला जो है ये मेरी सिस्टर ने आ, सिस्टर का है ठीक है तो उसने उसको मैंने मैरून वाला दिखाया तो वो कहती है उसके पास मैरून था क्योंकि जो मैरून कलर आ, मैंने लास्ट टाइम ना सफायर से फिफ्टी परसेंट तक का ऑफ था तो मैंने उसका मैरून कलर वहाँ से लिया था तो इसमें एक और भी मैंने आपको रेड भी दिखाया है आ, इसी का किस्ट का लेकिन मैंने रेड इसलिए नहीं लिया कि मैंने निशात लीलन से लास्ट टाइम शॉल वाला एक रेड कलर का लिया था आई थिंक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो वो देखी हो तो खैर अभी जब स्टिच भी होगा वो आपके साथ मैं रेड कलर भी शेयर करूंगी वो बहुत प्यारा है उसकी शॉल पर बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई है वो कोई नौ हज़ार का ड्रेस था और बाद में जो है वो मुझे थर्टी फाइफ या फोर्टी पे वो मुझे मिला था तो बहुत अच्छा डिस्काउंट था ठीक है ये आर्टिकल मैंने दिखाया हुआ है ठीक है ये भी टेक केयर बाय बाय